क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में निराशा देखी है, जहां आपको उस परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, जहां एक आवाज आपको बार बार बोलती है कि आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, एक झूठ जो शैतान अक्सर इस्तेमाल करता है ताकि हम उम्मीद छोड़ दें और हार मान ले, वो ये है कि शायद आप बहुत गलतियां कर चुके हैं और आपको उसकी माफी नहीं मिल सकती। दूसरा ये कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता और शायद कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता और शायद आप अपनी परेशानी से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये सब झूठ है। क्या आप जानते हैं कि शैतान आपसे झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि आप परमेश्वर की नज़रों में बहुत अनमोल हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो हमें हमारे सारे पापों से छुटकारा दिलाए और हम परमेश्वर के साथ दोबारा एक रिश्ते में जुड़ जाएं। शैतान जानता है कि जिस दिन हम इस सच को अपनी जिंदगी में अपना लेंगे, उस दिन से हम एक पापी नहीं लेकिन परमेश्वर के दोस्त बन जाएंगे। क्या आपको पता है कि यीशु मसीह को भी एक स्थिति में ऐसा लगा था कि शायद वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे? मत्ती 26 की 39 में लिखा है, उसके क्रूस पे जान देने से पहले उसने प्रार्थना में अपने पिता से कहा कि ऐसा करना उसके लिए काफी मुश्किल है, मगर वो जानता था कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है और उनसे फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए यीशु मसीह का जान दिया जाना जरूरी है। तो उसने हम पापियों की सजा ले ली, मगर क्रूस पर चढ़ने से पहले उसने प्रार्थना करके हिम्मत और ताकत हासिल करी। अगर शैतान आपसे झूठ बोल के आपको हार मानने पे मजबूर कर सकता है, तो वो बहुत आसानी से आपको परमेश्वर के प्यार से भी दूर कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि शैतान का मकसद इससे भी बड़ा है? वो चाहता है कि आप ना उम्मीदों में फंस जाएं, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन जिस पल आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्यार को जान जाएंगे और उसको महसूस कर लेंगे, उस दिन से आप उसके प्यार को अपने तक ही सीमित नहीं रख पाएंगे। जब परमेश्वर का प्यार आपको भर देता है, तब आप दूसरे लोगों से भी प्यार करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग परमेश्वर की नज़रों में अपनी खास जगह को देख पाते हैं। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, तब यीशु मसीह को भी लग रहा था कि यह बहुत मुश्किल होगा, मगर उसके कानों में परमेश्वर का प्यार कह रहा था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुखी और परेशानी में हैं, जिनके बारे में परमेश्वर चिंता करते हैं, और सिर्फ तुम यीशु मसीह उन्हें बचा सकते हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ऐसा प्यार कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया ताकि जो ना उम्मीदों में जी रहे हैं, दुनिया के बंधन में बंधे हुए हैं, वो आज़ाद कर दिए जाएं। अगर आज आप निराशा या ना उम्मीदी से लड़ रहे हैं, तो हार मत मानिए। शैतान के किसी भी झूठ को अपनी ज़िंदगी में जगह मत दीजिए। यीशु मसीह ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानता था कि हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। वो ऐसा करता रहा ताकि आप आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। उसने हमें पवित्र आत्मा भी दिया ताकि वो हमारा दोस्त बने और हमें शांति दे। परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, उसकी शिक्षा को अपनाएं, हार मत मानिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को देखने और सुनने वाले आपके विश्वास में बने रहें, और जैसा आपने हमसे प्रेम किया, वैसा ही हम भी दूसरों से प्रेम करने वाले बने और आपके प्रेम में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। हम विश्वास करते हैं कि आपको इस मैसेज को देखने और सुनने से परमेश्वर की आशीष मिली हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना का विषय लिख सकते हैं।